झारखंड में चुनाव का आगाज हो चुका है। तमाम पार्टियां अपने अपने तरफ से दमखम लगाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। इस समय हम लोग बोकारो के नया मोड़ में खड़े हैं, जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के लोग यहां खड़े हैं और कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में यहाँ पर चिराग पासवान आएंगे। जरा इन चेहरे को हम गौर से आपको दिखा देना चाहते हैं। ये बोकारो के वो चेहरे हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी के समय से ही हैं। कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो उनके पिता के साथ राजनीति शुरू किए थे, आज उनके बेटे के स्वागत में भी खड़े हैं। हम दुआ करते हैं कि उनके पोते के साथ भी खड़े रहे, लेकिन लंबे दिनों के बाद जब सुना कि चिराग पासवान आ रहा है तो कल ही पत्नी को कहा कि पुराना कुर्ता आयरन कर दो, आज जाना है उनके बेटे से मिलने। चेहरे पे मुस्कान देख ही रहे होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा के पुराने जिला अध्यक्ष और नए जिला अध्यक्ष भी है। नेताजी सुबह से कुर्ता पैजामा और बंडी लेके तो चले आए, लेकिन झंडा लाना भूल गए, गले में पट्टा लाना भूल गए। वो तो धन हो महिलाओं का कि फूल और टीका लेके आई हैं और कहा है कि चिराग भैया का स्वागत करेंगे। तो पहले चचा हमारे साथ हैं, जिन्हें देखकर हम लोग भी पत्रकारिता शुरू किया कर रहे थे। लंबे समय के बाद आपके पार्टी का कोई नेता आ रहा है और लंबे समय के बाद नेता के साथ साथ आपका भी दर्शन हो गया है, तो पहले तो खूब बधाई कि आप स्वस्थ हैं और इसी तरह स्वस्थ और मस्त रहिए। क्या लगता है कि इस बार भी नेताजी चेहरा दिखा के झारखंड में एक दो सीट मार के निकल जाएंगे कि आपके अरमानों का भी फूल खिलेगा कभी? हम लोग का कोशिश है, हमारे नेता जी का कोशिश है माननीय चिराग पासवान जी का, हम झारखंड में अलायंस में लड़े। विशेष तरह से दबाव भी है और लगता है कि हम लोग अलायंस में चुनाव लड़ेंगे और सफलता मिलेगी। अगर चुनाव अगर अलायंस नहीं होता है तब राष्ट्रीय नेतृत्व पर छोड़ी जाएगी, जैसा निर्देश होगा माननीय चिराग पासवान जी का, वैसा हम सभी कार्यकर्ता यहाँ झारखंड के। कहा जाता है कि जिसको विरासत में राजनीति मिलती है उसका सत्ता और मजबूत होता है, तो यहाँ तो विरासत कमजोर पड़ गया। आपके समय का जो मजबूती लोजपा का दिया करता था, आजकल लोजपा के ये छंद लोग ही यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या लगता है क्यों कमजोर होता चला जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, लोजपा कमजोर नहीं हुआ है, खासकर बोकारो जिला में लोजपा मजबूत हुई। हमारे जिला अध्यक्ष हैं अनिल जी, इन्होंने काफी मेहनत की है और हम यहाँ जिला के प्रभारी हैं, हम दोनों साथ मिलकर और इसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो अनिल जी भी साथ में है, चचा प्रभारी बन गए, आप जिला अध्यक्ष बन गए, आप दोनों आदमी बड़ा पोस्ट छोड़ नहीं रहे कि तीसरा कोई आएगा, तो झंडा तो भूल ही गए, फूल लेके आए हैं, लोग क्यों नहीं आ पाए? हिमांशु जी, पहले तो आपका धन्यवाद जो आप कवरेज कर रहे हैं, और झंडा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी के लिए झंडा नहीं पट्टा भी है। समय अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने में आप देखिएगा, हम लोग झंडा और पट्टा से लैस रहेंगे। और जहां तक आपने बोला कि लोजपा कमजोर हुई है, इतने महानुभाव हमारे जिला प्रभारी पूर्व माने जिला प्रभारी जो पूर्व जिला अध्यक्ष, इनका मार्गदर्शन हमेशा हमको मिलता है। और आप देखिएगा अभी चिराग जी का जब काफिला आएगा, लोग आ रहे हैं, जगह जगह स्वागत हो रही है, टोल प्लाजा पे हो रही है मेरे नेतृत्व में। आपको अच्छा, देख रहा था कि शहर में लंबे समय के बाद झंडा पोस्टर लगा है, लेकिन झंडा तो दिखा, आपका फोटो ही गायब हो गया, लोगों ने चुनाव आने से पहले ही पोस्टर से बाहर आपको कर दिया है। अच्छा, ये तो ठीक है, मैं फोटो का मोहताज नहीं हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड के प्रभारी और सह प्रभारी का फोटो है, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। अनिल पासवान फोटो का मोहताज नहीं है। अनिल पासवान तो फोटो के मोहताज नहीं है, लेकिन कुछ बहनें भी आई है अपने भाई का स्वागत करने के लिए। इन्हें ना झंडा चाहिए ना पोस्टर चाहिए, इन्हें उनका स्वागत करना है, इसलिए फूल माला टीका कपूर सब लेके आई है। कब से तैयारी कर रही थी? बस जब से पता चला कि आने वाले हैं चिराग भैया, उसके बाद से। तो चिराग भैया समय नहीं दे पाएंगे तो उदास नहीं ना हो जाएंगे? नहीं, उदास क्यों होंगे, नहीं होंगे। प्रोटोकॉल में है उनका, चल रहा है, तो अब उसी हिसाब से उनका चलेगा ना सारा टाइम। पहले आएंगे जब चिराग पासवान, तो क्या करेंगे? मतलब कि उनका स्वागत करेंगे, तिलक लगाएंगे। आप लोग भी मिलने आए हैं? जी, जानते हैं ना कौन आ रहा है? बिल्कुल जानते हैं, काहे नहीं जानेंगे, हमारे भैया है चिराग पासवान भैया, उनको नहीं जानेंगे तो किनको जानेंगे, उन्हीं के लिए खड़े हैं हम लोग। चुनाव चिन्ह क्या है भैया का? उनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छापे, हेलीकॉप्टर छापे भैया।
अच्छा भैया को जानते हैं क्योंकि गाड़ी तक जान रहे थे, अब भैया हेलीकॉप्टर पे बैठ गए हैं। अध्यक्ष जी ने कहा है कि थोड़ी देर के बाद झंडा पोस्टर आ जाएगा, क्योंकि अब तो हेलीकॉप्टर छाप है, झंडा पोस्टर भी हेलीकॉप्टर से आ ही रहा होगा। नेताजी पान खा के आ चुके हैं और नेताजी लंबे समय से आप भी इंतजार कर रहे हैं गुलदस्ता लेके, तो आपका नेता आ रहा है, कितनी खुशी महसूस हो रहा है? और ये खुशी को हम लोग बयां नहीं कर सकते हैं। जब से हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी बने हैं, हम लोग उनके लिए बेसब्री से बोकारो में उनका कब कदम रखा जाए, हम लोग उनका स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। देखिए टुनटुन भी आए हैं, टीका लगाया है, काला बंडी भी मारा है। हम बता दें कि हमारे मित्र सुधीर सिंह के भाई हैं और नेतागिरी तो इनके खून में है, तो बड़े नेता से आज मिलने आए हैं। क्या सोच के रखा है कि क्या कहेंगे जब उनसे बात करेंगे? कहना कुछ नहीं है, बस उनके स्वागत में हम लोग आए हुए हैं और उम्मीद है कि हमारे जो चिराग पासवान साफ छवि के नेता हैं, उनको हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और उम्मीद है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा देखिए एक तस्वीर है और हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर जेसीबी भी मंगा के अध्यक्ष जी ने रखा है। अध्यक्ष जी जेसीबी क्यों मंगाया है? जेसीबी मंगाया है, इसमें फूल है कम से कम 11 kg, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का फूलों के वर्षा से हम लोग उनका स्वागत करेंगे। अच्छा तब थोड़ी देर में चिराग पासवान इसी मोड़ पे आएंगे, ये नया मोड़ है जहाँ पर जेसीबी अनिल जी ने मंगा कर रखा है। अनिल जी ने साफ तौर पे कहा है कि हिमांशु भाई हम फोटो के मोहताज नहीं है, लेकिन जेसीबी जरूर इन्होंने मंगा लिया है। बुलडोजर बाबा से बड़ी प्रभावित हुए हैं और अपने नेता को बुलडोजर के ऊपर से फूल फेंक कर स्वागत करेंगे और बताएंगे कि नेताजी संख्या कम जरूर है लेकिन फूल खूब लेके आए हैं, आप चिंता ना करें, बोकारो में एक कार्यक्रम दे, फूल के साथ लोग भी लेके आएंगे। अब आने वाला थोड़ी देर के बाद समय ही बताएगा कि नेताजी आएंगे, कितना समय देंगे और अनिल भाई कैसे स्वागत कर पाएंगे।